सोनाक्षी सिन्हा की शादी में आखिर क्यों नहीं आएंगे उनके पिता और भाई। सोनाक्षी सिन्हा की शादी से आखिर क्यों ना खुश है उनके पिता और भाई। शादी में रेड ड्रेस पहनने से आखिर क्यों कर दिया गया मना। बॉलीवुड की दबंग लेडी यानी कि सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर चर्चा और कंट्रोवर्सी जोरों शोरों से चल रही है। वो दिन अब दूर नहीं कि आप में से ज्यादातर की स्टोरियों और स्टेटस में सोनाक्षी संग इकबाल की वेडिंग पिक्चर्स देखने को मिलेगी। और इस महीने के एंड तक सोशल मीडिया से लेकर दीवारों के पोस्टर्स पर बस हैशटैग सोनाक्षी वेड्स इकबाल छाया होगा। शादी के बारे में तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, लेकिन जो नहीं सुना होगा वो हम आपको सुनाएंगे यानी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। सोनाक्षी सिन्हा के लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल संग शादी करने की खबरें सुर्खियों में छाई हुई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस के मुस्लिम लड़के से निकाह करने को लेकर उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा और भाई लव सिन्हा खुश नहीं है। सोनाक्षी की शादी को लेकर उनकी फैमिली का भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। सोनाक्षी की शादी पर उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी की शादी की कोई खबर नहीं है। दरअसल जूम से खास बातचीत में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं दिल्ली में हूँ, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से मैं यही हूँ, मेरी अभी बेटी के प्लान को लेकर बात नहीं हुई है, आपका सवाल क्या है, वो शादी कर रही है, इसका जवाब ये है कि उन्होंने मुझसे अभी तक कुछ नहीं बताया, मैं उतना ही जानता हूँ जितना मीडिया में पढ़ा है, जब भी वो मुझसे इस बारे में बात करेगी तब मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, हम चाहते हैं उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा, लोग मुझसे शादी को लेकर सवाल कर रहे हैं, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता है और मीडिया को सब पता है, इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आजकल के बच्चे माँ बाप से पूछते नहीं है, बस आकर उन्हें बताते हैं, हमें तो बताए जाने का इंतजार है। वहीं सोनाक्षी के भाई लव सिन्हा भी अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा की तरह ही बहन की शादी को लेकर अनजान है। लव ने सोनाक्षी की शादी को लेकर कहा, मेरा इस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भाई और पिता के इस बयान के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि सोनाक्षी की फैमिली उनकी मुस्लिम लड़के से शादी करने के फैसले से नाखुश है। लोगों को लग रहा है कि सोनाक्षी ने अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ शादी करने की प्लानिंग की है, क्योंकि सोनाक्षी के परिवार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि जिससे ये लग रहा हो कि परिवार उनकी शादी से खुश है। इन सब के बीच सोनाक्षी सिन्हा और जहीर के लिव इन में भी रहने की खबर सामने आई थी। पिछले साल एक्ट्रेस ने नया अपार्टमेंट भी खरीदा था, जिसके बाद इनके लिव इन की खबरें सच लगने लगी है। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर की पहली मुलाकात सलमान खान द्वारा होस्ट की गई एक पार्टी में हुई थी, यहाँ से इनकी बातचीत शुरू हुई और फिर मुलाकातें, और जल्द ही एक दूसरे पर दिल दे बैठे थे। दोनों की शादी सादगी के साथ मुंबई में होगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर दोनों का वेडिंग कार्ड भी खूब वायरल हो रहा है, जिस पर सोनाक्षी और जहीर का नाम लिखा हुआ है, साथ ही शादी की पूरी डिटेल्स भी दी गई है। कपल की शादी मुंबई में बेस्टियन रेस्टोरेंट में होगी। बात करें वेडिंग की थीम की तो इस कार्ड के अनुसार शादी का फंक्शन रात 8 बजे से शुरू होने वाला है, जिसमें गेस्ट को फॉर्मल और फेस्टिव ड्रेस कोड दिया गया है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि रेड कलर का आउटफिट पहनने की परमिशन नहीं है, हमारे साथ बेस्टियन आए और सेलिब्रेट करें। इस वेडिंग कार्ड पर सोनाक्षी और जहीर की फोटो भी लगी हुई है, जिसमें जहीर एक्ट्रेस को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इनवाइट में लिखा गया है कि हम इसे ऑफिशियल कर रहे हैं, र्यूमर्स सच है। तो आप लोगों को सोनाक्षी सिन्हा की शादी का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।